गुजरात की पुलिसकर्मी सुनीता यादव ने लगाया परिवार को परेशान करने का आरोप। सुनीता यादव ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की अपील। अगेन डिजिटल इंडिया से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी बात माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी सर से तक पहुंचाएं, मेरी बात राष्ट्रपति से पहुंचाएं, राष्ट्रपति साहब तक पहुंचाएं प्लीज, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। मैं मरना नहीं चाहती, मेरे घर के लोग जो बेचारे परेशान हो रहे हैं, मेरे लिए, मेरे समाज, मेरा परिवार, मेरा खानदान, सब लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से। सिर्फ मुझे ही तकलीफ नहीं दी जा रही, मेरे पूरे पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, कॉल किए जा रहे हैं, मेरे परिवार को भी फॉलो किया जा रहा है, उन पर निगरानी रखी जा रही है, मतलब हर तरीके से मेरे पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि मैं तो परेशान नहीं हो रही हूँ, अभी भी परेशान नहीं होंगी, लेकिन कहीं जो है मेरे फैमिली मेम्बर्स कहीं ना कहीं हिम्मत हार रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो लोग पीछे हट करना चाहते हैं और मुझे समझा रहे हैं पीछे हट करने के लिए, जो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है। मेरी गलती ये है कि मैं एक लड़की हूँ, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बात अपने जो सिस्टम के सुपीरियर हैं उन तक पहुँचाएँ प्लीज़, और हाथ जोड़ के मेरी मोदी साहब से अगेन आई रिपीट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, आर्मी चीफ, इन सब से मेरी और एनसीसी कैडेट से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बात आगे तक पहुँचाएँ प्लीज़, मुझे हेल्प की ज़रूरत है प्लीज़। मेरे घर वाले भी इस वक्त इतने परेशान हो गए बाहर, पब्लिक नहीं पर जो भी जो प्रेशर आ रहा है हमारी फैमिली पे, मेरे समाज वाले परेशान हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ नुकसान ना हो जाए, उनकी चिंता जो है वो जायज़ है मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, मैं इस वक्त अकेली हूँ। मेरे मदर फादर भी इतने परेशान हो गए बेचारे कि उन्होंने ये कहा कि भाई अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें तू चाहिए, हमें लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, लोग जो हैं वो सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। सुनीता यादव ने कहा कि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री कुमार कानानी से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, इसीलिए उन्हें परेशान करना बंद किया जाए। मुझे शांति से रहने दीजिए, जो भी कोई है जिनको लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, जो भी माननीय श्री कुमार भाई कानानी साहब के फैंस हैं, जो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझ पर नज़र रख रहे हैं, मुझे आप लोगों से भी कोई तकलीफ नहीं है, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। मतलब अभी जो कुमार भाई कानानी साहब का गलत ख़राब टाइम चल रहा है, शायद मैं नहीं मानती खराब चल रहा है, पर जो शायद अगर ख़राब टाइम चल रहा है आप लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं तो सैल्यूट करती हूँ आप लोग को यार, कि सैल्यूट है कि खराब टाइम में आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको, मुझे आप लोगों से कोई तकलीफ़ नहीं है, ना ही मुझे हम हेल्थ मिनिस्टर साहब से कोई तकलीफ़ है, ना उनके लड़के से कोई तकलीफ़ है। सबसे गलती होती है, मैंने भी जो उस दिन कुछ कहा, मुझे लगता है शायद मैंने ज़्यादा कह दिया, शायद उन लोगों को जाने देना चाहिए था, मुझे भी शायद इतना गर्म नहीं होना चाहिए था, मुझे भी लेट गो करना चाहिए था। ठीक है, गलती सबसे होती है, मुझसे गलती हुई, आप लोगों से भी गलती हुई, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं किसी से भी। सुनीता यादव ने कहा कि मंत्री के बेटे से पंगा लेने के बाद उनकी जिंदगी कैद बनकर रह गई। मुझे शिकायत सिर्फ इस बात से है कि आप लोगों ने जो किया वो गलत किया, आप लोग इतना कुछ करके भी बाहर आज़ादी से घूम रहे हैं और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, ईमानदार पुलिस वालों की तरह ड्यूटी निभानी चाहिए, और मैं घर के अंदर कैद हूँ क्यों, क्या गलती करी है मैंने, यही गलती है कि मैं एक लड़की हूँ, यही गलती है कि मैं सिस्टम के सामने नहीं झुक रही हूँ, यही गलती है कि मैं खादी के सामने नहीं झुक रही हूँ, मेरी यही गलती है कि मैं परिवार के सामने नहीं झुक रही हूँ। मेरे परिवार ने मैं जिनके साथ मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ वो ध्यान से देखे कि इस वक्त मैं आज़ाद हो चुकी हूँ हर चीज़ से, अगर हो सके तो सपोर्ट करो मुझे, वरना मेरी तरफ से हर कोई आज़ाद है, मैं किसी के साथ कोई बंधन में नहीं रहना चाहती। वैसे भी जो जो इस समाज और रिश्तों के बंधन से आज़ाद हुआ उसने इतिहास रचा है, आप मोदी साहब को ही देख लो यार, सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, फिर आप अब्दुल कलाम साहब को देख लो, मदर टेरेसा को आप देख लो, किरण बेदी मैम को देख लो, जो जो समाज और इन रिश्तों से ऊपर उठाया है उसने ही कुछ किया है, तो मैं इन सबसे आज़ाद हो चुकी हूँ। ठीक है, मुझे घर से बाहर निकलना है, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, अगर आप लोग को मेरी ज़रूरत की हेल्प की ज़रूरत नहीं तो कोई बात नहीं यार, मुझे कम से कम शांति से जीने दो यार। ये कौन है पीयूष जो बोला गलती सिर्फ आपकी है, क्या गलती है भाई मेरी? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।